subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, ट्रांसपोर्ट कनाडा का रूसी एयरलाइन पर जुर्माना, तैयारे के पायलट्स और रूसी मुसाफिरों पर फीकस $3,000 जुर्माना आयद। जिनेवा में मुकीम एयरक्राफ्ट ऑपरेटर पर $15,000 जुर्माना आयद किया गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मलका बरतानिया से मुलाकात। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि मलका के साथ मुलाकात मुफीद रही। तुर्क सदर का जस्टिन ट्रूडो से फोन पर राबता, यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडा का रूस की मजीद 10 शख्सियात पर पाबंदी का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि ये अफराद रूसी क्यादत के हामी हैं। कैनेडियन वजीर खारजा के मुताबिक पाबंदियों का मकसद रूसी मीशत को सुस्त करके यूक्रेन पर रूस का मौकफ बदलना है। रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म। वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के हौसला अफजा नताइज ना निकल सके। शहरियों का महफूज इनखला दोनों मुल्कों के लिए दर्द सर बन गया। रूस सबसे ज़्यादा पाबंदियों का सामना करने वाला पहला मुल्क बन गया। यूक्रेन गैर मुल्की जंगजुओं का पसंदीदा तरीन मुकाम बन गया। रूसी नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि हम पर पाबंदी की सूरत में तेल $300 फी बैरल तक जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। जस्ट वन स्ट्रिप फॉर अ लोड। सिंपल एंड स्क्वीकी क्लीन। प्लास्टिक फ्री बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Ghar mein sabki healthy life ke liye Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids aur wife ke liye Greenish Natural Health. Ek tab de दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, हेल्दी लिविंग फॉर द होल फैमिली। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर रूसियों और एयरलाइन पर जुर्माना आयद कर दिया। ट्रांसपोर्ट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि तैयारा रूसी मलकियत या ऑपरेटेड नहीं है, लेकिन इसने फिर भी कनाडा के हवाबाजी के कवानीन को तोड़ा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर रूसियों और एयरलाइन पर जुर्माना आयद कर दिया। ट्रांसपोर्टर कनाडा का कहना है कि एक तैयारा जिसे ग्राउंड किया गया है उसमें दो रूसी शहरी सवार थे जो गुज़िश्ता हफ्ते येलो नाइफ पहुंचे थे। इसने फिजाई हदूद की पाबंदियों को तोड़ा। ट्रांसपोर्ट कनाडा का कहना है कि तैयारे के दो पायलट और रूसी शहरी जिन्होंने तैयारा चार्टर किया था, हर एक पर $3,000 जुर्माना आयद किया गया है, जबकि जनीवा में मुकीम एयरक्राफ्ट ऑपरेटर पर $15,000 जुर्माना आयद किया गया है। ट्रांसपोर्ट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि तैयारा रूसी मिल्कियत या ऑपरेटेड नहीं है, लेकिन उसने फिर भी कनाडा के हवाबाजी के कवानीन को तोड़ा है। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने फौरी तौर पर इस बात का तायुन करने के लिए तहकीकात शुरू की कि आया फिजाई हदूद की कोई खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। दोनों रूसियों की शनाख्त ना हो सकी है, लेकिन इलाके के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ड्यान आर्ची ने कानून साज असेंबली को बताया कि वो ट्रांस ग्लोबल कार मुहिम नामी मंसूबे का हिस्सा हैं।
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने विंडसर कैसल में मलका एलिजाबेथ दोयम से मुलाकात की, कहा मलका हमेशा की तरह बसीरत और चश्म कुशा रहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने पीर को विंडसर कैसल में मलका एलिजाबेथ दोयम से मुलाकात की, कहा कि मलका हमेशा की तरह बसीरत और चश्म कुशा रहीं। ट्रूडो, जो यूक्रेन पर बातचीत के लिए बरतानिया में है, ने कहा कि उनकी मलका के साथ विंडसर कैसल में मुलाकात हुई, जिन्हें हाल ही में कोविड-19 हुआ था। कैनेडियन वजीर आजम वो पहले शख्स है जिन्होंने कोविड से सेहतयाब होने के बाद मलका से मुलाकात की। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि मैं आपको बता सकता हूं कि मलका के साथ मेरी गुफ्तगू में वो हमेशा की तरह बसीरत और चश्म कुशा वाली थी। जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत दिलचस्पी रखता था। उन्होंने मुझसे कैनेडा के बारे में हर तरह के सवाल पूछे। हमारे मुलाकात वाकई मुफीद थे। वैसे भी आलमी वाकयात के बारे में बातचीत, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। दूसरी जानिब सदर रजब तैयब उर्दवान ने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से राब्ता किया। सदारती शोबा इत्तेलात के मुताबिक इस टेलीफोन राब्ते में रूस के यूक्रेन पर हमलों समेत दीगर इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई। कनाडा ने रूस की 10 शख्सियात पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है, जो कनाडा के मुताबिक यूक्रेन में रूस की बिला जवाज मुदाखलत में शरीक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकाम ने रूसी सदारती तर्जुमान, आरटी चैनल की एडिटर इन चीफ समेत दीगर अफराद को रूस के यूक्रेन में खसूसी फौजी ऑपरेशन की वजह से पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया है। कैनेडा ने इन 10 शख्सियात पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है, जो इसके मुताबिक यूक्रेन में रूस की बिला जवाब मदाखलत में शरीक है। कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ये 10 अफराद रूसी क्यादत के हामी, ओलिगार्क, साबका और मौजूदा सीनियर हुकूमती अहदेदार हैं। उन्होंने बरतानिया और नैदरलैंड्स के वज़रा आज़म के साथ इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन शख्सियात के नाम रूसी अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवालनी की फहरिस्त से ली गई हैं। इसके अलावा रूस के वजीर ज़रात दैमत्री पेट्रोशेव, वजीर सेहत मिखाइल मुराशको, रियासती तामीरात और कानून साजी की कमेटी के चेयरमैन पाउल क्राशिनिकोव के साथ साथ विक्टर गिरलेव और दिमित्री एनोनोव भी पाबंदियों का शिकार हैं। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी जाहियत के खिलाफ मगरबी ममालिक रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने का इरादा रखते हैं। रोमानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैनेडियन वजीर खारजा का कहना था कि कनाडा ने यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर रूस पर बहुत अहम और सख्त तरीन पाबंदियां लगाई हैं। उन्होंने कहा कि G7 ममालिक और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं। इन पाबंदियों का मकसद रूसी मईशत को सुस्त करके यूक्रेन पर रूस का मौका बदलना है। रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के भी हौसला अफजा नताइज नहीं निकले। यूक्रेनी वफद के मुताबिक मुज़ाकरात में इंसानी राहदारी के क्याम के सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के भी हौसला अफजा नताइज नहीं निकले। यूक्रेनी वक्त के मुताबिक मुज़ाकरात में इंसानी राहदारी के क़याम के सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। रूस और यूक्रेन के वज़रा खारजा 10 मार्च को तुर्की के शहर अंतालिया में मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इख्तिताम पज़ीर। वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के हौसला अफजा नताइज ना निकल सके। शहरियों का महफूज इनखिला दोनों मुल्कों के लिए दर्द सर बन गया। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेनी वफद के रुकन का कहना था कि मुज़ाकरात के नताइज हौसला अफजा नहीं है, तहम इंसानी राहदारी के क़याम के सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। इससे पहले रूस ने 6 मुकामात पर शहरी इनखिला के लिए जंग बंदी की पेशकश की थी, जिसे यूक्रेन ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया था कि वो अपने शहरियों को पनाह के नाम पर रूस और बेलारूस के हवाले नहीं कर सकते। कीव के करीब रूसी तैयारों की बमबारी से एक फैक्ट्री तबाह हो गई। वाकई में 13 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। बमबारी के बाद फैक्ट्री में 30 अफराद काम कर रहे थे। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने आलमी बरादरी से रूसी तेल के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि जंग तवील हो गई तो यूक्रेन को तैयारों की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी जानिब यूक्रेन पर रूसी कब्जे की सूरत में अमेरिका और इत्तेहादियों ने नई हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन में जलावतन हुकूमत कायम करके रूस के खिलाफ गोरीला जंग लड़ी जाएगी। यूक्रेन और रूस ने तुर्की की सालिसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों मुल्कों के वज़रा खारजा 10 मार्च को तुर्की के शहर अंतालिया में मिलेंगे। आलमी पाबंदियों का रिकॉर्ड रखने वाली तंजीम का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर 2,778 पाबंदियां आयद कीं, जबकि रूस पर आयद मजमूई पाबंदियों की तादाद 5,530 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामना करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के सिर्फ 10 दिन के अंदर रूस आलमी पाबंदियों के हवाले से दुनिया का पहला मुल्क बन गया।
عالمی پابندیوں کا ریکارڈ رکھنے والی تنظیم کا کہنا ہے کہ یوکرین پر حملے کے بعد روس پر 2,778 پابندیاں عائد کی، جبکہ روس پر عائد مجموعی پابندیوں کی تعداد 5,530 ہو گئی۔ سخت عالمی پابندیوں کا سامنا کرنے والے ممالک میں ایران دوسرے اور شمالی کوریا تیسرے نمبر پر ہے۔ یوکرین پر حملے کے نتیجے میں روس پر امریکہ سمیت دیگر ممالک نے سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ روس سے تیل کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک نے روسی تیل پر پابندی کے حوالے سے دنیا کو خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبر رس ادارے کے مطابق الیگزینڈر نواک نے خبردار کیا کہ روسی تیل پر پابندی لگائی گئی تو اس کے عالمی منڈی پر تباہ کن نتائج ہوں گے اور فی بیرل تیل کی قیمت $300 تک پہنچ جائے گی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے ابھی تک روسی تیل اور گیس کی درآمدات روکنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ علاوہ ازیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ روسی تیل پر عالمی پابندی عائد کرنے کا معاملہ زیر غور ہے، لیکن جرمنی اور ہنگری نے مخالفت کر دی۔ یوکرین میں افراتفری اور خانہ جنگی کی تیاریاں عروج کو پہنچ گئیں۔ غیر ملکی مسلح جنگجو جوک در جوک یوکرین پہنچنے لگے، جبکہ مغربی ممالک نے عالمی قوانین کے خلاف ورزی پر آنکھیں مون لی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سے ہزاروں جنگجو یوکرین کا رخ کر رہے ہیں، جہاں وہ روس کے خلاف مزاحمت میں یوکرینی فوج کا ساتھ دیں گے۔ ان جنگجوؤں میں امریکہ اور برطانیہ کے سابق فوجی بھی شامل ہیں جو اس سے پہلے عراق کی جنگ میں حصہ لے چکے ہیں۔ یہ جنگجو جدید اسلحے سے لیس اور روس کے ساتھ براہ راست لڑائی میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔